नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल में। आइए रुक करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भाजपा के विधायक 18 मार्च को अपने नेता का चुनाव करेंगे। वैसे इस पद की रेस में रेल राज्य मंत्री और गाजीपुर से भाजपा सांसद मनोज सिन्हा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि मैं रेस में नहीं हूं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गोवा में सरकार बनाने में नाकाम रहने को लेकर पार्टी में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यह मसला राज्यसभा में उठाया, जिसके चलते खूब हंगामा हुआ। वहीं राज्यसभा स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हैदराबाद की एक महिला के पाकिस्तान में फंसे होने और उसके पति की ओर से उसे कथित तौर पर प्रताड़ित करने की खबरों पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में तैनात भारतीय उच्चायुक्त से ब्यौरा मांगा है। सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि मैंने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ पहले की तरह ही जुड़े रहेंगे। सिद्धू ने कहा कि राजनीति एक तरफ है और रोजगार एक तरफ। इस शो के लिए उन्हें एक रात देनी होती है। इसके लिए वो रात की फ्लाइट से मुंबई जाएंगे और अगले दिन फिर से चंडीगढ़ पहुंचकर लोगों की सेवा में लग जाएंगे। जस्टिस सीएस कर्णन ने अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेयर और अन्य 6 जजों को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। बता दें कि पत्र में लिखा है कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और सरेआम उनकी बेइज्जती की गई, जिसके बदले में उन्हें ये रकम दी जाए। जीएसटी व्यवस्था के 1 जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल ने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी समेत 5 बिलों को मंजूरी दे दी। आरएसएस के प्रमुख नेता और प्रचारक इंद्रेश कुमार का कहना है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए जरूरी है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करके मुस्लिम समाज में सुधार किया जाए। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे का विरोध करता रहा है। दिल्ली के एम्स में इलाज के वीआईपी की सिफारिश पत्र के साथ पहुंचने वाले मरीजों के लिए एम्स ने एक बड़ा फैसला किया है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने एक अलग काउंटर खोलने का ऐलान किया, जहां सिफारिशी पत्रों के साथ पहुंचने वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक 13 वर्षीय सिख बच्चे के जबरन बाल काटने का मामला सामने आया। घटना गुरुवार रात करीब 8 बजे की है, जहां 3 असामाजिक तत्वों ने पार्क में इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक मैनेजमेंट कमेटी ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। गैंगरेप मामले में फंसे यूपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। गायत्री प्रजापति को जेल में पहली रात चोरों और जेबकतरों के साथ बितानी पड़ी। बता दें कि लखनऊ पुलिस की टीम गुरुवार दोपहर लगभग 12:15 बजे गायत्री प्रजापति को लेकर जेल पहुंची थी। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताज महल अब आतंकी संगठन ISI के निशाने पर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक IS समर्थित अहवाल उम्मत मीडिया सेंटर ने एक ग्राफिक्स जारी किया, जिसमें भारत पर हमलों के साथ ताजमहल को भी उनके टारगेट पर दर्शाया गया। जीएसटी को लेकर टेंडर्स की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक डेडिकेटेड सेल बनाएगी। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार CII के साथ मिलकर ज्वाइंट सेल बनाना चाहती है, जिससे जीएसटी को लेकर टेंडर्स के तमाम मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। सीरिया में हुए हवाई हमले में करीब 42 लोगों की हुई मौत, जबकि 100 से अधिक लोग हुए जख्मी। खबरों की माने तो ये हमला एलेपो में एक मस्जिद पर किया गया। वहीं ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग मस्जिद में शाम की नमाज अदा कर रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले जा रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत उमेश यादव ने जोरदार अंदाज में की। उन्होंने दिन की पहली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला आधा तोड़ डाला। यादव की गेंदबाजी में इतनी ताकत देखने के बाद मैक्सवेल भी काफी हैरान हो गए। हीरो नंबर 1 के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले गोविंदा एक बार फिर नई फिल्म आ गया हीरो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ ही गोविंदा ने इसका निर्माण भी किया है, साथ ही फिल्म की स्टोरी भी उन्होंने लिखी है। फिल्म में आशुतोष राणा, ऋचा शर्मा, मकरंद देशपांडे और चंद्रचूड़ सिंह प्रमुख भूमिकाओं में है। फिलहाल हमारे साथ बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार।